मुंबई के नायक नगर में सोमवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक है, तो वहीं मलबे में 25 लोग दब गए थे। 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, वहीं 10 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो वहीं NDRF, BMC और मुंबई पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। BMC के अतिरिक्त आयुक्त अश्वनी भिड़े ने भी बताया कि इमारत काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। 2013 से पहले मरम्मत और फिर इमारत को गिराने के लिए नोटिस दिए गए थे। उधर एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे भी वहाँ मौके पर पहुँचे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 इमारतों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन लोग फिर भी रह रहे थे। सभी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। आसपास की दूसरी इमारतों को खाली कराने और गिराने का काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब BMC नोटिस जारी करे तो इमारत खुद खाली कर देनी चाहिए, अन्यथा ऐसी घटना होती है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पर कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।